हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज अपना वीडियो रहेगा सिर्फ अपनी मिनी रोवर पे, बिकॉज 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस दिन 10,000 किलोमीटर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा, तो आज वही दिन आ गया रिव्यू का। फिलहाल थोड़ा लेट हूँ बिकॉज 10,000 के थोड़ा ऊपर चल गई है, एंड स्पॉइलर लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हम रुक गए थे। एंड शुरुआत करते हैं अभी सीधा रोवर से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10,166 किलोमीटर घूम चुकी है। एंड सबसे पहले मैं आपको अपनी कार की, रोवर की मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बिकॉज ये कार मैंने क्या प्लानिंग से ली थी या क्या सोच के ली थी और कैसे सब हो गया, ये कार आ गई। बिकॉज 2022 में मेरा बर्थडे था 30 नवंबर, एंड 5 नवंबर को मुझे एक ऑफर आया था बैंक से कि इफ़ यू वांट टू बाय अ कार तो आपको वो लोन तुरंत डिसबर्स हो जाएगा, तो वो एक प्री अप्रूव्ड ऑफर था। सो मैंने वो सोच के फिर, मतलब तभी तो दिमाग में ये सब कुछ था ही नहीं कि रोवर लूँगा, मतलब i20 लूँगा और इतने जल्दी, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता था कि घर वाले मुझे कार लेके देने वाले थे। मतलब मुझे लगता है हार्डली 3-4 मंथ्स में मुझे कार मिलने वाली थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था कि यार मैं खुद से लूँगा एंड सरप्राइज दूंगा सबको। तो वो दिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे मेल आया और मैंने फिर वो देखा, तो तभी कीड़े दिमाग में चालू हो गए कि अभी लूँगा, अभी हो गया तो फिर लेने की शुरुआत कर ही देते। तो मैंने पहले एक ट्राई लिया कि पहले कार अवेलेबल होती है कि नहीं वो तो देख लूँ, बिकॉज अभी से अगर मैंने वो डिसबर्समेंट वगैरह वो जो भी है बैंक का पेपर वर्क कर लिया और फिर एंड में कार वो दिन नहीं आ रही है बर्थडे के दिन, तो फिर मैं वो मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशन से मैं चल रहा था। एंड सडनली फिर मैंने ट्राई किया कि कार की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, तो मैंने सबसे पहले विरार में मोदी हुंडई है वहाँ पे कॉल किया एंड उनको पूछा, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया क्योंकि 3 महीने तक तो कार कहीं नहीं मिलने वाली है, ऐसा उनका कहना था। और मुझे एक्चुअल में चाहिए था डुअल टोन वाली और डीजल ही टॉप एंड वेरियंट जो हमने ली है, और फिर वहाँ पर ऑप्शन नहीं अवेलेबल हुए, तो मुझे लगा कि यार अभी मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो टाइम पे है ना चिप का बहुत इशू हुआ करता था, जैसे अभी भी चल रहा है, लेकिन वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं और एक ट्राई देता हूँ, तो मैंने बहुत सारे शोरूम्स में फ़ोन किए, फिर मीरा रोड, फिर उसके आगे अंधेरी, मतलब सब जगह मैंने फ़ोन किए एंड कहीं अवेलेबल नहीं थी। एक जगह मुझे अवेलेबल हुई, वो भी डुअल टोन में, लेकिन उनका कहना था कि ऐड ऑन देना पड़ेगा प्राइस, मतलब वो ऑलमोस्ट 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार 40,000 एक्स्ट्रा में क्यों दूँ, हाँ एक तो कार के तो दे ही रहा हूँ ना, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा क्यों दूँ। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, 40,000 एक्स्ट्रा इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो लिंक लगे, एंड फिर मैंने फाइनली ट्राई किया, मतलब जो ऑल ओवर हेड है यहाँ का उनको फ़ोन किया एंड मैंने रिक्वेस्ट की कि ये वेरिएंट ऐसा अवेलेबल होगा कहीं भी आपके यहाँ के शोरूम्स में, तो फिर मुझे प्लीज़ कॉल बैक करवाइए। तो सडनली मुझे ठाणे से एक फ़ोन आता है, मैं दोपहर को 2 बजे, और ये बात है कुछ 14 या 15 नवंबर की, एंड मैं वेट कर रहा था। फिर उस दिन मुझे, मैं सोया हुआ था दोपहर के 2 बजे, तो मुझे फ़ोन आता है, 2 बार फ़ोन आके गए, एक तो ठाणे का जो शोरूम है कमल हुंडई वहाँ से आया था फ़ोन और सेल्समैन का आया था, और उसके बाद मुझे उनके हेड का फ़ोन आया था, लेकिन मैं सोया था तो मैंने पिकअप नहीं किया था। और फिर मैंने 3:30 बजे जैसा मैंने उठा, और फिर मैं एक्चुअली जब भी आप है ना, सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ डालते हो और या कुछ सर्च भी करते हो ना, तो आपको ढेर सारे फ़ोन आने चालू हो जाते हैं, जैसे मुझे आने चालू हो गए थे, तो मैं उठाता ही नहीं था क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ अलग ही दे देते थे, फिर मुझे ये हुंडई का वेन्यू वो ऑप्शन में दे रहे थे, ये दे रहे थे वो दे रहे थे, लेकिन मेरा मन था सिर्फ i20 पे एंड वो भी टॉप एंड वेरिएंट चाहिए था और डुअल टोन में। लेकिन फिर उस दिन मुझे 3:30 बजे जब फ़ोन आया था, तो मैंने नहीं 2 बजे जब फ़ोन आया था तो मैंने उठाया नहीं, एंड 3:30 बजे मैं उठा, तो तभी मैंने देखा चलो एक बार एक कॉल बैक कर लेता हूँ एक को, तो मैंने कॉल बैक किया, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि आपके देखो बहुत ही मुश्किल है आपको i20 मिलना, वो भी डुअल टोन में और डीजल टॉप एंड वेरिएंट में, बिकॉज वो टाइम पे है ना डीजल बंद होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था एंड मुझे चाहिए थी डीजल ही, बिकॉज पेट्रोल तो अपने को परवड़ने नहीं वाली है, और डीजल में जो पावर और जो एवरेज मिलता है वो मुझे नहीं लगता पेट्रोल में मिलता है। अब पावर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, लेकिन जो एवरेज है और डीजल वो नहीं मिलता मुझे कहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी वो भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास अवेलेबल है वो भी वाइट,
एंड जैसे चाहिए थी आस्टर टॉप एंड वेरिएंट, तो भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ट्राई फॉर डुअल टोन, बिकॉज मुझे डुअल टोन ही चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि डुअल टोन आपको मिलनी बहुत ही मुश्किल है, एंड ये भी बहुत ही कम मिलने वाली है. मतलब ये जो अभी खड़ी है उनके गोडाउन में, वो भी कहीं ना कहीं बिक जाएगी. इट्स बेटर कि आज डिसाइड कर लो एंड आगे की प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, और एल्स ये भी रह गई तो फिर गया. एंड यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो निकल चलते हैं. तो मैं 3:30 बजे जैसे उठा, खाली फेस वॉश किया और सीधा मैं चले गया ठाणे, यहाँ से जो कि 76 किलोमीटर है. एंड मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं सीधा उठा, गाड़ी ली और फिर सीधा चले गया ठाणे. एंड ठाणे पहुँचते ही मुझे वो भाई से मिला और उन्होंने मुझे सब जो भी है एक्स वाई जेड प्रोसीजर वो हमने कंप्लीट की, बुकिंग की फाइनली. एंड मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, जहाँ मुझे एड ऑन हो रहा था 40,000, वहाँ मुझे 56,000 डिस्काउंट मिला, और वो भी विथ सम एसेसरीज. तो आई वॉज लाइक कि चलो भाई अभी मिल रहा है तो ले लो, इतना अच्छा खासा ऑफर है. तो मैंने बुकिंग कर दी एंड फाइनली फिर वो कार 25th of November को आई, मतलब उनके सर्विस सेंटर के मेन गोडाउन में. और फिर मुझे उन्होंने फोटोज़ वगैरह भेजे और वहाँ से फिर अपनी आगे की प्रोसीजर बढ़ी, और फाइनली 30th November को मैंने कार ली. एंड मैंने किसी को नहीं बोला था, लिटरली डैड मुझे पूछ रहे थे बर्थडे के दिन की मतलब सुबह की तुझे क्या चाहिए, तो आई वॉज लाइक कि थोड़ी देर में आपको बोलता हूँ मुझे क्या चाहिए, बिकॉज बताना नहीं था. और मैं यहाँ से अपने कुछ भाई लोगों को लेके गया था एज अ लंच के बहाने, कि मैं मेरी तरफ से पार्टी एज अ लंच दे रहा हूँ, और वो बहाने उनको बेवकूफ़ बना के मैं लेके गया था. और हमें 2:30 बज गए थे जहाँ हम लंच करने गए थे, एंड लंच करते करते फिर हमें 3:30 हो गया. और मैं ना जाते टाइम ही अपना शोरूम लेफ्ट साइड में दिखता है कमल हुंडई का, तो फिर मैंने अपनी कार देख ली थी क्योंकि वो जस्ट आई थी सर्विस सेंटर से एकदम क्लीन होके, और वो लोग मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे थे डिलीवरी की. एंड हम वहीं से फिर जा रहे थे, 2:30 बजे के आसपास हम पहुँचे अपने होटल में, खाना खाया. और लिटरली मैं उनको है ना खाना खाने भी नहीं दिया, मतलब 3:30 बज गए, हम वहाँ वेट कर रहे थे और मैं उनको है ना ऐसे बोल रहा था कि नहीं 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 चलो मुझे जाना है, मुझे काम है और भी जगह जाना है, ऐसा कर करके उनको खाना भी पूरा खाने नहीं दिया और उठा के लेके आ गया. और मैंने आधे टाइम उनको बोला था कि हमें ना मुझे एक केक लेना है, तो वो केक लेंगे और फिर घर पे निकलेंगे. तो केक के बहाने में उनको लेके आया, एंड वहाँ पे जिस शोरूम के बाजू में मैंने कार खड़ी की, और वो वीडियो है मेरे पास क्योंकि तभी मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ कर नहीं रहा था, एंड ऐसा कुछ था भी नहीं माइंड में कि व्लॉग करूंगा या कुछ नहीं, बट नॉर्मली ऐसे मैं सोच रहा था कि रील टाइप अपन बनाएंगे. तो मैंने वो अपना वर्टिकल में नॉर्मल वीडियो ले रहा था, और फिर सडनली जब वहाँ पहुँचे हम, एंड मैं इतना एक्साइटेड था ना कि मेरा ऐसा फेस है ना टर्न होकर अपनी कार पर ही जा रहा था, जो कि उन्होंने मस्त अच्छे से ढकी हुई थी. तो अभी वहाँ गाड़ी रुकी तो ये लोग सब देख रहे कि यार केक का शॉप किधर है, ये तो केक के बहाने लेके आया और केक का शॉप किधर है. तो उन्होंने मुझे पूछा केक का शॉप किधर है, तो मैं आई वॉज लाइक कि मैं जस्ट उतरा एंड मैंने बोला कि गाड़ी पार्क करो और आप लोग आओ, मैं आपको बताता हूँ केक का शॉप किधर है. एंड जैसे ही कार पार्क की और जैसे हम उतरे, और फिर मैं तो सीधा उनको इशारा कर दिया कि यहाँ जाना अपने को हुंडई शोरूम में, तो देवर लग गया व्हाट द फक ये कैसे हो गया, मतलब कैसे है? वो सरप्राइज है ना, और वो जो मूवमेंट है ना बहुत ही प्रेशियस मूवमेंट है. मतलब वो फीलिंग है ना, ऐसे गुजबम्स आ गए थे ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं. एंड फिर उनको पता चल गया कि फिर मैं उनको एक्चुअली लगा तभी कि कार सिर्फ बुकिंग करने वाले, लेकिन नई कार की डिलीवरी थी, उनको नहीं पता था. फिर जैसे अंदर एंटर हुए एंड सब प्रोसीजर कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने डैड को वीडियो कॉल किया, बिकॉज वो मेरे ख्याल से कहीं मीटिंग में बैठे थे. एंड मैंने पहले फ़ोन किया और उनको पूछा कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला एक मीटिंग में. मैंने बोला 2 मिनट के लिए खाली वीडियो कॉल पे आओ, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ. मैंने आप फिर मैंने 2 मिनट के बाद उनको वीडियो कॉल किया, और उनको जस्ट फेस वो वीडियो है मेरे पास, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया था, लेकिन यार उसमें वॉइस है ना नहीं आया स्क्रीन रिकॉर्डर में. आई डोंट नो आज के मतलब वो टाइम पे आ रहा था, उसके बाद वो अपने आप बंद हो गया पता नहीं क्यों. तो जस्ट मैंने वीडियो कॉल किया और मैंने उनको मतलब बोला कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको मतलब जो चाहिए मुझे वो मैं आपसे मांगूंगा, तो ये रहा वो जो मुझे चाहिए था. तो मैंने जस्ट बैक कैमरा ऑन किया और उन्होंने देखा, और वो जो मूवमेंट था ना, वो मूवमेंट तो आई थिंक वो लाइफ का बहुत ही प्रेशियस, मतलब वो
कुछ बोल नहीं सकता उस पे, मतलब आंखों से पानी आ जाते, ऐसा वो मूवमेंट था। बिकॉज यार कभी सोचा नहीं था ऐसा सरप्राइज दूंगा या कुछ एक्स वाई जेड होगा, मतलब ये अचानक पता नहीं कैसे हो गया, सो हो गया। और फिर उनको बताया और वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैंने सुबह उनको बोला था ना कि मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बोलूँगा, एंड वो एक मूवमेंट था। और उसके बाद वो कार हम घर लेके आए। सो ये रही, ये थी वो जर्नी जहाँ से हमने ये स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की वो है इसकी फर्स्ट सर्विस है, और उसके बाद फिर आज तक अभी मैं कंटिन्यू हूँ। बीच में बहुत सारे ब्रेक्स हुए, लेकिन चलो कोई नहीं, आज बात करनी है अपनी रिव्यू की। लेकिन मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये सब बातें मैं कब तक छुपा के रखूँ या फिर ये कब तक अपने दिल में रखूँ। मैं ये चाहता था कि ये सब फीलिंग्स और ये जो भी है एक्स वाई जेड ये शेयर करूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फ्रेंड की, जो कि मैंने जब कार लेने जा रहा था, मैंने कभी टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी डीजल वेरियंट की, पेट्रोल की थी लेकिन डीजल की नहीं की थी। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस था i20 में, क्योंकि बिकॉज मेरे इसके पहले भी अपने पास i20 थी सेकेंड जनरेशन वाली, सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इसको लेके। इसके लिए मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं अवेलेबल हुई, फिर भी मैंने ये बुक कर दी थी और मेरा प्लान बन चुका था इसको लेने का। एंड आप अगर इसको कंपेयर करोगे पोलो और एल्ट्रोज के साथ, तो एल्ट्रोज में मैं गया था, एल्ट्रोज में भी मैंने देखी थी, तो वो जो फीलिंग है ना वो अंदर बैठ के प्रीमियमनेस, वो मुझे एल्ट्रोज में नहीं आई थी, इसीलिए मैंने वो एल्ट्रोज मतलब देखी भी नहीं। फिर उसके बाद टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली, एंड पोलो तो अवेलेबल नहीं थी बिकॉज वो टाइम पे बंद हो चुकी थी, और पोलो का जो नया जनरेशन आ रहा था वो भी पता नहीं कब आता था और मैं इतना वेट नहीं कर सकता था। सो ऑप्शन बचा तो सिर्फ एक ही, यही। तो मैंने सोचा चलो अभी जब ऑप्शन है एक ही अवेलेबल है तो फिर इसी पे जाते, जबकि मैं ऑलरेडी एक यूज़र हो चुका हूँ i20 सेकेंड जनरेशन का। एज आई i20 यूज़र मुझे पता है कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी जाएगी, बिकॉज इसके पहले वाली जनरेशन थी अपने पास सेकेंड जनरेशन, उसका भी मुझे कॉस्टिंग पता था। मिनिमम 10,000 तो पकड़ के ही चलो, बिकॉज ये खर्चा आता ही है, लेकिन मुझे चलता है वो, क्योंकि बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस देता है ना हाईवे पे या जब हम कार चलाते, जो कॉन्फिडेंस देता है टर्निंग पे कॉर्नरिंग पे, वो फील मुझे कोई और कार में नहीं आया जो i20 में आया था। एंड इसीलिए अब ऑब्वियसली बात है, अब हाईवे पे चलते हैं तो 100 to 120 या 140 की स्पीड में तो हम चलते ही है, मतलब यूजुअली मैं उतनी स्पीड में चलाता ही हूँ, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो ये कॉन्फिडेंस देता है ना वो मुझे बाकी कार में नहीं लगा, जो कि सोनेट भी अपने पास और सेल्टोस भी है। सेल्टोस में कहीं ना कहीं वो तो थोड़ा बहुत देता है, लेकिन सोनेट में तो बिल्कुल ही नहीं देता है, और इनोवा में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है, इसीलिए फिर मैंने ये चॉइस की थी। और रही बात इसके एवरेज, 10 का जैसे एवरेज दिखा रही है तो मैं चला रहा हूँ इसके लिए वो 10 का एवरेज है, और एल्स 15 to 16 ईजिली सिटी में दे देती है, और एंड हाईवे पे 24-25 आराम से दे देगी आपको। इतने छोटे से कार में 1.5 लीटर का इंजन है डीजल, सो वो एक बेनिफिट है। एंड इसका जो एसी पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल है कि मुझे एक पे करना पड़ता है, अभी फ़िलहाल मैंने उसको बढ़ा के रखा है बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है, 31 डिग्री है। सो मैं बाहर ही शूट कर रहा था, लेकिन जैसे मुझे गर्मी ज़्यादा होने लगी मैं अंदर आके बैठ गया। शुरुआत करते हैं इसके बूट से, तो बूट स्पेस जो है ना वो बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस है, मतलब ऐसे बाहर से लगता नहीं कि इतना बड़ा बूट स्पेस होगा, जबकि मैंने ये सब कचरा रखा हुआ है फिलहाल। ये तो जब सर्विस गई थी उसके बाद का ये पार्ट यहीं रह गया, इसको भी फेंक देना पड़ेगा कहीं पे। एंड बूट स्पेस एरिया बहुत ही मस्त है। अब चलते हैं इसके बैक साइड पे, एंड बैक की सीट देखो, मतलब इतना कंफर्टेबल है ना, इतना स्पेशियस है कि मैं जब ले रहा था तभी मुझे लगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होगा, जैसे कि पुरानी वाली i20 थी उसमें भी इतना लेग स्पेस था नहीं। और यहाँ पे देखो आप, इतना अच्छा खासा, जबकि मेरी सीटिंग पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है आगे की सीट, और यहाँ पे आराम से आप 5 लोग, मतलब आगे 2 और पीछे 3 जन आराम से बैठ सकते हैं। और मैंने ना ये आर्म रेस्ट है ना जानबूझ के ना थोड़ा सा बाहर ही रखा था, ताकि अंदर ना जाए और कोई 5th पर्सन यहाँ पे बैठ ना पाए, और एल्स ये अगर अंदर चले जाएगा तो आराम से 5 जन इजीली बैठ सकते हैं। और हुंडई की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब कोई पीछे नहीं बैठा होगा और ये सीट बेल्ट बाहर रहेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवाज़ करेगा ये जब बाहर निकलेगा, लेकिन उन्होंने जो ये दिया है ना सीट बेल्ट का ये जो नॉब है वो यहाँ पे रखने के लिए, वो बहुत ही मस्त है, ताकि सेफ रहे, मतलब वो आवाज़ ना करे। यहाँ पे रियर एसी भी है और एक USB पॉइंट भी दिया हुआ है। और अब चलते आगे की तरफ, शुरुआत करते हैं स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग की जो प्रीमियमनेस लगती है, मतलब कहीं लग्जरी कार में बैठे ऐसे लगता है। और इसका MID फुल्ली डिजिटल है, प्लस 10.2 का
डिस्प्ले है एंड ट्रैक्शन ऑफ, ये सब कंट्रोल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मतलब हिल डिसेंट एक्स वाई जेड जो भी है, अब उतना याद नहीं है। और एक बात कि वायरलेस चार्जर दिया है, लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि जब हम अपना आईफोन 12 या 12 या जो भी प्रो मैक्स वाले जो भी आईफोन रहते हैं ना, वो चार्ज पे रखते हैं ना, तो वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होता है, बिकॉज इसके जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा पॉपअप है बाहर की तरफ। इसके लिए शायद से ये मैग्नेटिक पकड़ता नहीं होगा, लेकिन वो दिक्कत है इसमें, तो शायद ये इनको सॉल्व करना चाहिए था। एंड रही बात इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स का तो आप मतलब नेक्स्ट लेवल, इतने छोटे से कार में स्पीकर का जो वॉल्यूम है ना, आपको बताता हूँ अभी सुनाता हूँ। फिलहाल तो बुरा गाना बजा नहीं सकता, हार्डली 15 या 10 सेकंड का ही बजा सकता हूँ। तो आपको होप अगर इसका साउंड अच्छा लगा होगा, बिकॉज बोस का स्पीकर है एंड थोड़ा सा भी फटता नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब सिंगल भी ऐसा नहीं होगा, फील होगा कि आवाज कहीं ना कहीं फट रहा है, जबकि मैंने वॉल्यूम 45 पे फुल करके रखा हुआ था। और एक अच्छी बात है, इन्होंने एयर प्यूरीफायर दिया है, जबकि आज के डेट में इतनी इसकी नीड नहीं है, लेकिन आगे जाके 100% इसकी नीड लगने वाली है, लेकिन दे दिया है इतनी सी छोटी सी कार में, और क्या चाहिए। और एक बात, सनरूफ जो अपने यहाँ पे सब लोगों को चाहिए ही रहता है, अब ये छोटी कार है लेकिन इन्होंने इसमें भी दिया है, एंड अच्छा खासा ओपन होता है, मतलब पूरा यहाँ पे आप एक जन आराम से खड़े रह सकते हैं, जैसे मैं भी खड़े रहता हूँ कभी कभी, पर इतना यूज़ कोई करता नहीं है, कभी कभी ही यूज़ करता है, मतलब जब भी कभी रील बनाना होगा या फिर कुछ, मतलब जब कहीं हम ऐसे सीनरीज में होंगे जहाँ पे हम बाहर आ सकते हैं तभी खाली यूज़ होता है, बाकी तो ऐसे कुछ यूज़ नहीं है, बिकॉज अपने यहाँ पे हीट ही इतनी होती है कि ये कौन खोलेगा। और ग्लव बॉक्स भी इन्होंने कूल वाला दिया है, देखो मतलब कुछ भी ब्रीवरेज रहेगा तो हम वहाँ रख सकते हैं, कूल कर सकते हैं। एक गलती इन्होंने की है कि ये जो लाइट की डीमिंग है ना, मतलब जो पीछे की लाइट आती है ना, वो सीधा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अपने पास आती है, तो ये उन्होंने मैनुअल में दिया है, जो लाइट वो थोड़ा सा डाउन करे, ये काश इन्होंने ऑटो में दिया होता तो वो बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी गलती हुंडई ने जो की है, मतलब जब डोर आप क्लोज करोगे ना, तो थोड़ी सी हवा वो साइड से पास होनी चाहिए, और एल्स ये डोर है ना, मतलब बिना प्रेशर के वो बंद नहीं होगा। जैसे अभी देखो, आपको एग्जांपल बता दो, ये देखो बंद ही नहीं होगा, और जब वो विंडो थोड़ी सी नीचे करूँगा ना, तो देखना कैसे तुरंत बंद हो जाएगा, जबकि मैं यही प्रेशर में उसको बंद करूँगा, ये देखो ईजीली बंद हो गया। और रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी हाइट बड़ी होनी चाहिए थी। एंड ये रहे इसके एलॉयज, बहुत ही मस्त लग रहे हैं, जबकि बिना मैंने ब्लैक किए भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है, इसके लिए फिर मैंने ब्लैक करा दिए, जो कि बहुत ही मस्त लग रहे। लेकिन एक शिकायत है कि इन्होंने 16 इंचेस के दिए थे, जबकि लास्ट वाली जो थी इसके पहले वाली जनरेशन की, उसको 17 के एलॉयज थे, तो इसको भी काश 17 के एलॉयज लगा देते तो बहुत ही मस्त लगती थी, मतलब थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती थी। सबसे ज़्यादा मुझे जो शिकायत है ना इसके गेयर बॉक्स की, काश इन्होंने ऑटो दे दिया होता, जबकि 1.5 वाली इंजन है, सिर्फ क्रेटा वाला ही तो देना था, अगर ये ऑटो दे दिया होता ना इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट में, तो मेरे ख्याल से अगर इसके मुझे 1 लाख और एक्स्ट्रा भी देने पड़ते ना, तो मैं दे देता, बिकॉज ऑटो आज के डेट में हम ट्रैफिक में रहते तो ऑटो ही परवर्ट है, बिकॉज ये क्लच दबा दबा के ना जो पेन होता है ना बाद में, जैसे कि मुंबई की साइड में हम कभी जाते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाती है अगर मैनुअल लेके जाते हैं। और स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता था कि इसको हॉर्न भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे खुद सुना तो मुझे बहुत मस्त लगा कि इट्स बेटर, कि मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं साउंड है, लेकिन अभी आप साउंड सुनो। और ये कार अपने को पड़ी थी 10,85,000 एक्स शोरूम, एंड रजिस्ट्रेशन और सब टैक्स वगैरह मिला के कुछ 13 लाख के करीब, मतलब उसमें डिस्काउंट भी कर लो अपना 56,000 वाला। और फिर उसके बाद जो कीड़े थे ना कि एसेसरीज वाले ने जो भी बोला कि ये करा लो वो करा लो, तो वो टाइम पे आप है ना मना नहीं करोगे, आप है ना हाँ में हाँ ही भरोगे, सो वो अपने साथ हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन खुद से कार ले रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस बहुत नया था, तो हमने हाँ पे हाँ ही किया, तो ये कोटिंग वो कोटिंग करते करते वो बिल मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर हो गया रहेगा। बाकी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वो रिव्यू मैं 50,000 किलोमीटर्स के
टाइम पे दूंगा। एंड मेरे लिए ये कार शायद एक ड्रीम थी जो मैंने फुलफिल की खुद से, बिकॉज ये मैंने कार देखी थी 2020 में मैंने देखी थी, एंड तब से मेरा दिल था इस पे कि ये मैं कभी ना कभी तो लूँगा, और मैंने वो फुलफिल किया। सो बहुत खुश हूँ, एंड ये कार आई विल रिकमेंड, बिकॉज जो कंफर्ट लेवल मिलता है ना, मतलब आप आगे बैठो या पीछे बैठो, आपको ऐसे रोलिंग वगैरह कुछ फील भी नहीं होगा, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार जो मुझे मिली है। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं एकदम प्रॉपरली तो नहीं दे पाया रिव्यू, बिकॉज मैंने जितनी बकवास की है स्टार्ट में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन वो एक सच था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड इसी के साथ ये वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। Don't call me liar, yeah, 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 yeah. Then I call you